व्हाट्स अप गाइस, खूनी मंडे चैनल से दिल दहला देने वाली एक स्टोरी लाए हैं। दिल दहले ना दहले लेकिन एनिमेशन देख के बड़ा मजा आता है। इंडिया मोस्ट हॉन्टेड हाउस कचेरी बाड़ी बाड़ी होता है। मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो उसके लिए पहले कान पकड़ के सॉरी। वीडियो देखते हैं, कहानी सुनते हैं और साथ में इंजॉय करते हैं। और कोई वीडियो अगर आप सजेस्ट करना चाहे जरूर बताना। 1 2 3 लेट्स गो। तेरी हंसी है बिल्कुल। स्वागत है सौरभ की दुनिया में। जब्बा बोलो खूनी बंदे और एंजॉय करो। चेंज हो गया ना अभी। दहला देने वाली हॉरर। इससे पता चलता है हम कितने पुराने सब्सक्राइबर हैं इसके। है ना खूनी बंदे के। खूनी बंदे नहीं ये है, इससे पहले बताओ। हॉन्टेड हाउस कचेरी बाड़ी जैसे आंगनबाड़ी बाड़ी होगी ना। वेस्ट बंगाल के मल्लारपुर में स्थित कचेरी बाड़ी वैसे तो दिखने में किसी भी पुराने घर जैसी ही है, पर वो अपने अंदर ऐसे कई गहरे राज छुपाए बैठी है जिसे जानकर शायद किसी के भी होश उड़ जाएं। कचेरी बाड़ी कई सालों पहले जमींदारों की कचेरी यानी एक कोर्ट हाउस था, जहां जमींदार उस समय की छोटी मोटी दिक्कतों पर अपना फैसला देते थे, पर साथ ही साथ वो उनकी अय्याशी करने की जगह भी थी। माना जाता था कि कई जमींदार वहां इकट्ठा होकर खूब शराब पीते थे और मौज मस्ती करते थे। इतना ही नहीं, जो भी लड़की उनको पसंद आती तो वो उसे जबरदस्ती उठाकर वहां लाकर नाचने वाली बनाकर उस कचेरी बाड़ी में कैद कर लेते थे। कई सालों तक कचेरी बाड़ी में कई औरतों के साथ जुल्म हुए, पर जैसे जैसे जमींदारों की ताकत खत्म होने लगी उनके परिवार वाले कचेरी बाड़ी छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। लेकिन पीछे छूट गईं तो उन औरतों की आत्माएं जिन्होंने अपने ऊपर हुए जुल्म से कचेरी बाड़ी के अंदर ही अपना दम तोड़ लिया उनकी आत्माएं वहीं रहने। कचेरी बाड़ी खाली होने के कुछ साल बाद जब उसे तोड़ने के लिए कुछ मजदूर एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ वहां आए तो तोड़फोड़ के दौरान उन्हें वहां कई इंसानी हड्डियां मिली जो गांव वालों के हिसाब से उन्हीं नाचने वाली औरतों की थी। लोग मानते थे कि उन्हीं सब नाचने वाली औरतों में से एक औरत की आत्मा आज भी वहां भटकती है। उस औरत की मौत कचेरी बाड़ी में ही हुई थी और उसका भूत अगर किसी को दिख जाए तो कुछ दिनों में उस आदमी का मरना पक्का हो जाता है। ये एनिमेशन क्या गजब करी हुई है। हरिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हरिया उसी गांव का रहने वाला एक किसान था। हालांकि उसने भी कचेरी बाड़ी के बारे में कई कहानियां सुन रखी थीं, पर वो उनमें से किसी को भी नहीं मानता था। एक रात हरिया काफी ज्यादा थक गया था तो उसने पक्की सड़क की बजाय कचेरी बाड़ी के बगीचे से गुजरता हुआ छोटा रास्ता लेने का सोचा, पर उसे नहीं मालूम था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। हरिया उस बगीचे में घुसा तो वो बगीचा उसे बाकी बगीचों की तरह ही लगा, पर वहां सिर्फ जंगली घास और सन्नाटा था। लोगों के मुताबिक अभी तक उसे उस औरत की पायल की आवाज की छनछन सुनाई देनी चाहिए थी, पर वहां सिर्फ उसे रात के झिंगूरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उन झिंगूरों की आवाजों के बीच जो थोड़ा बहुत उस औरत के भूत का डर था वो भी चला गया और वो अब बिना डरे आराम से वहां जाने लगा। लेकिन उसके मन में कुछ अजीब सी चीजें चल रही थीं। वो धूल मिट्टी से घिरा हुआ कचेरी बाड़ी उसे एक अजीब किस्म की खूबसूरती का एहसास दे रहा था, जैसे किसी बड़े मॉन्यूमेंट या किसी राजा के महल को देखकर होता है। न जाने कितने अमीर लोग यहाँ आकर जश्न मनाते होंगे। ये बात सोचते सोचते और कचेरी बाड़ी को देखते देखते वो कोर्ट हाउस के सामने रुक गया। तभी हरिया को एक पायल की छनछन की हल्की सी आवाज सुनाई दी। वो कुछ सोच पाता कि उससे पहले ही उसे महसूस हुआ कि जैसे कचेरी बाड़ी की निचली मंजिल के कोने वाले कमरे से कोई उसे देख रहा है। कितना डरावना लग रहा है। ये उसकी थकान का नतीजा है तो उसने उस एहसास को नजरअंदाज करके वापस घर की ओर चलना शुरू कर दिया। वो बस बगीचे के अंत तक पहुंचने ही वाला था जब उसे ऐसा लगा कि जैसे उसकी साथ वाली दीवार पर कुछ हलचल हुई है। उसने झटके से देखा
तो वहां पर किसी की परछाई थी जो धीरे से हिलती हुई दीवार के ऊपर जाकर रुक गई। हरिया हक्का बक्का उसी परछाई को देख रहा था, तभी उस जगह से उसे पायल की छनकार सुनाई दी और फिर धीरे धीरे वो आवाज बढ़ती चली गई। अब हरिया को ऐसा लग रहा था कि जैसे उस कोर्टरूम के अंदर नाच गाना चल रहा है। उन सब आवाजों को सुनकर हरिया के पसीने छूटने लगे, क्योंकि अगर उस औरत के भूत के होने की बात सच थी तो उसकी मौत आज पक्की थी। गए लाला, इससे पहले हरिया कुछ कर पाता वो परछाई कहीं गायब हो गई और सारी आवाजें भी अचानक बंद हो गईं। हरिया डरता हुआ थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे फिर से पायल की छनकार सुनाई दी और बिना चाहते हुए भी उसकी आंखें वहां चली गईं जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए था। ले कर दिया काम। उसी दीवार के ऊपर जहाँ कुछ देर पहले उसे एक परछाई दिख रही थी, डरावनी यही एनिमेशन तो बोलते होंगे, कितना डरावना लग रहा है। उस औरत के बड़े बड़े और गहरे काले बाल थे और बेहद ही सुंदर और गहरी आंखें। उत्तरी वो बस वहाँ बैठे हुए अपने पैर हवा में झुका रही थी और उसके कपड़े सालों पुराने लग रहे थे। वो औरत एक उदास सा गाना गुनगुना रही थी और फिर वो औरत एकदम से चुप हो गई। अचानक से वो हरिया को घूर कर देखने लगी और मुस्कुराने लगी। वो मुस्कुराहट देखकर हरिया को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो औरत उसकी जिंदगी तबाह कर देगी, लेकिन अचानक वो औरत वहां से गायब हो गई। हरिया वहां से जल्द भागना चाहता था, पर वो जैसे ही भागने के लिए मुड़ा वो औरत उसके ठीक सामने आ गई। हड़बड़ी में वो कचेरी बाड़ी के बगीचे से निकलने के बजाय वो कचेरी बाड़ी की ओर ही भागने लगा। अच्छा, तभी एकदम से उसके कदम रुक गए, क्योंकि कचेरी बाड़ी के कोने वाले कमरे से सच में उसे कोई देख रहा था। वो तो आदमी है। उसे वहां एक बहुत ही डरावना आदमी दिखा जो शायद वहां के किसी जमींदार का भूत था। कहानियों के मुताबिक उस नाचने वाली औरत की मौत उसी जमींदार की वजह से हुई थी और उसी औरत की आत्मा ने उस जमींदार को कचेरी बाड़ी में मार डाला था। कितना डरावना। हरिया को उसे देखते ही यकीन हो गया कि कचेरी बाड़ी में कई सारी आत्माएं बसती हैं। वो उस आदमी को देखते ही जोर से चिल्लाया और चिल्लाते हुए ही वहां से कहीं भाग निकला। पीछे वो भागते भागते वो किसी तरह अपने घर पहुंच गया। हरिया उस दिन के बाद अकेला रहने लगा और उस रात जो कचेरी बाड़ी में उसके साथ हुआ उसकी कहानी पूरे गांव में फैल गई, जिसके बाद गांव में कचेरी बाड़ी का डर और बढ़ गया। उस रात के बाद हरिया डरा डरा रहने लगा था। कोई अगर हरिया से कुछ पूछता तो हरिया बस यही जवाब देता, वो कचेरी बाड़ी वाली औरत यही है और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। लॉस्ट सा हो गया था ये। हरिया की बीवी उसे कई पीर फकीर के पास ले गई, पर हरिया और कमजोर दिमाग में बैठ गया। वो सब कुछ छोड़कर बस अपने कमरे के कोने में डरा हुआ बैठा रहता था। चुपचाप रहता, पर हर रात को उसके घर से उसकी चिल्लाने की आवाजें आती, क्योंकि ना चाहते हुए भी अगर हरिया की आंख लग जाती थी तो वो बस यही बोलते हुए नींद से उठता। पसीनों में तर वो चिल्ला चिल्ला के सबको बताता कि वो औरत उसके सपनों में आई है और वो उसे जान से मार देगी। दिन ब दिन हरिया की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। फिर एक दिन जब हरिया की बीवी खेत से काम करके वापस आई तो उसे घर में घुसते ही अपने पति हरिया की लाश मिली। क्या था ऐसा उस कचेरी बाड़ी में? हो गया। क्या सच में वो कोर्ट हाउस हॉन्टेड है और कितनी आत्माएं भटक रही हैं वहां? आपको क्या लगता है? दोस्तों हम जानते हैं कि आप क्लाउन सीजन 2 के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। और क्लाउन सीजन 2 का भी वेट कर रहे हैं, हमने 1 नहीं देखा यार, मैं रिएक्ट ही करूंगा उसके ऊपर पूरा। अभी हम थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करेंगे रिएक्शन का, तो उसमें फिर उस सीरीज पे रिएक्ट करेंगे भाई। लेकिन वो चीज मेरे को चुड़ैल भी इतनी स्क्रीन लेंगे जितना वो बाद में आदमी लगा उसके अंदर खड़ा हुआ, वो जो जमींदार था जिस तरीके से देख रहा था, एक वो स्क्रीन था जो ऊपर बैठी हुई थी पैर से, बैकग्राउंड म्यूजिक जो एकदम एनिमेशन जो पूरा वो जो
कचेरी बाड़ी जो दिखाई ना वो बहुत डरावनी थी, हल्की सी ब्लू शेड में गजब दिख रही थी। रात को कहीं तुम ऐसे दिख जाए कि मतलब ऐसे उसमें से खिड़की में से कोई ऐसे झांक रही है अबैंडन्ड बिल्डिंग में से, नेक्स्ट लेवल वाइब्स, नेक्स्ट लेवल वाइब्स जिसे कहते हैं ना, वो थी इस वीडियो की। और जैसे वो हल्के हल्के पत्ते उड़ना, वो चीज, आवाज चलनी, बैकग्राउंड म्यूजिक, माहौल पूरा सेट कर दिया। और ये सोचो जो कई लोगों को शौक होता है ऐसे वीडियोस देखना, कंबल में मुंह डाल के और चुपचाप से पूरा माहौल बन जाता है, तब तो ऐसे कि ऐसा लगता है तुम उसी जगह हो, बिल्कुल ऐसे आवाजें आ रही होती है। आई एम श्योर वीडियो देख के मजा होगा। और स्टोरीज क्या होता है, शॉर्ट रहती है लेकिन मजा आता है। मुझे एनिमेशन के साथ ऐसे हॉरर वो देखने में मजा आता है, एनिमेशन के साथ, क्योंकि आपको पता है कि ये एक स्टोरी लाइन है लेकिन आप एंजॉय करते हो। और कई बार वैसे वीडियोस देखते हैं रियल घोस्ट टाइप की, लेकिन उसमें पता होता है काफी स्क्रिप्टेड भी रहती है, तो कहीं ना कहीं रहता है कि नहीं एक्टिंग करने वाले हो। यहाँ पे स्टोरी है जिसमें आप स्टोरी बिल्ड होती रहती है, वो चीज है। और ये चीज देखी हमने पहले, बहुत उस तरीके से होता था, जो जितने भी ठेकेदार ठुकेदार उस तरीके के होते थे कचेरी वाले, तो जुल्म वाली बातें सब थी उस टाइम पे। बाकी आप लोग को कैसे लगी स्टोरी जरूर बताना, और अगर कोई और स्टोरी भी आप लोग सजेस्ट करना चाहें खूनी मंडे चैनल से, तो जरूर उस पर भी हम रिएक्ट करेंगे। बाकी और कोई वीडियो सजेस्ट करना है तो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, टेक केयर।